इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से है, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल से। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं शासकीय विमानतल पर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की है। सीएम शिवराज ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय में करीब 4 घंटे तक ये बैठक चलेगी। बैठक के बाद दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं। सीएम शिवराज ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने, जब भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की और विमानतल से सीधे बैठक के लिए अमित शाह रवाना होंगे। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें अमित शाह प्रमुख रूप से शामिल होंगे और बैठक के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यालय में करीब 4 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसके बाद अमित शाह वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। विमानतल से सीधे बीजेपी कार्यालय रवाना होंगे केंद्रीय गृहमंत्री, जहां एक बैठक आयोजित की गई है और चुनावी साल है, इस लिहाज से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं से अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। शासकीय विमानतल पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमित शाह की अगवानी की है। इस साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी और लगातार बड़े नेताओं के दौरे भी जारी हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल हेड अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, विमानतल गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस समय, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या गृहमंत्री बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं? देखिए, गृहमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हूँ। तो गृहमंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आज ही नवनीत चुनाव प्रभारी है, संगठन महामंत्री है, संगठन मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा है, 4 से 5 केंद्रीय मंत्री है, खेल रूप से तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। तो 13 सीट यहाँ पर दे रहे हैं बीजेपी कार्यालय में अमित शाह के साथ रखी गई है। तो इन 13 नेताओं के साथ जिनमें खुद अमित शाह भी होंगे, अमित शाह मंथन कर रहे हैं मध्यप्रदेश की भावी राजनीति की दशा और दिशा तय करने के लिए। अमित शाह का सत्ता और संगठन के साथ बड़ी बैठक का ये सिलसिला शुरू हो चुका है और 1.5 लाख तक की सिलसिला चलता रहेगा। और इस बैठक के नतीजे को लेकर पूरे प्रदेश को इंतजार है और पूरे देश में ये बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटे रही है, ताकि अमित शाह अचानक भोपाल क्यों पहुंचे, कल ही का ये दौरा तय हुआ और इसके बाद अमित शाह की अगवानी की तैयारी की गई। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था और तैयारियों के साथ साथ इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि आखिर अमित शाह इस बैठक में करते क्या है, आखिर वो आए थे वो क्या संदेश लेकर आए, सरकार संगठन में किस तरह की रणनीति तैयार होगी, क्या किसी तरह का कोई बदलाव होगा, कई बदल होगा, इस तरह की अटकलों के बीच ये बैठक हो रही है। निश्चित रूप से नए प्रभारियों के साथ अमित शाह ये बैठक और हम देख रहे हैं कि चूंकि चुनावी साल भी है मध्य प्रदेश में, ऐसे में जो बड़े नेता हैं उनका लगातार दौरा जारी है, अमित शाह के इस दौरे के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? लेकिन यह भी अतुल जी कि आज का जो अमित शाह का दौरा है वो काफी संक्षिप्त है, बैठक में शामिल होंगे इसके बाद फौरन वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस तरह से अमूमन अमित शाह आते नहीं है, आते हैं तो दिन भर का दौरा होता है, फिर डिसाइडेड होता है, लंबे समय पर तैयारियां होती है। लेकिन अचानक ये दौरा हुआ, सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया, 13 बड़े नेता जो मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में ही अहम भूमिका हम ध्यान रखते हो, इन नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किस तरह की रणनीति तैयार होगी, किस तरह की दशा और दिशा तय होने वाली है, संगठन का चेहरा क्या होगा, सत्ता का मोहरा क्या होगा, किस तरह से पार्टी इस चुनावी साल में अगले 3 महीने में आगे बढ़ेगी, कौन कौन सी रणनीतियों के साथ, कौन कौन से नीतियों के साथ, कांग्रेस की तमाम तरह की जीत की संभावनाओं और सर्वे के साथ इस तरह की ये जो बैठक है।
बिल्कुल। और अतुल जिस तरह से हम देख रहे हैं अतुल जी, लगातार अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, और आज भी हमने अतुल जी देखा कि जब आज विधानसभा का सत्र हुआ लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा गया, खासकर जो आदिवासी समुदाय का मुद्दा था वो काफी हावी रहा। तो ये जो सदन की बात है, अब क्या ये माना जाए कि दिल्ली तक भी गूंज रही है, और इसका जवाब सरकार कैसे दे, इसका भी कोई मंत्र आज राजनीति के चाणक्य दे सकते हैं? राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की कमी रहती है सारी में, बीजेपी के लिए चिंताजनक है। लगातार बीजेपी के सदन को सक्रिय किया जा रहा है, सत्ता के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए किसी से तरह आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार और प्रसार के तमाम तकनीकी साधनों के साथ ये जनता के बीच में जाए, समय कम बचाए, ये दिक्कत पर तैयारियां होनी चाहिए। मध्यप्रदेश के किसी भी हाल में केंद्रीय लोकन को छूना नहीं चाहता, इसलिए हर तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से भी तमाम मुद्दे सामने आए हैं, चाहे वो आदिवासियों के पीएम का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का ढंग है, जिस तरह से कांग्रेस की राजधानी में बात बात की तर्ज पर बीजेपी की तमाम लोक निर्माण योजनाओं की ताक कि इन संभावनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इस दौरे में, इस बैठक में अमित शाह निश्चित रूप से दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से कांग्रेस को लिखा जाए, किस तरह से कांग्रेस की संभावनाओं को भी जी बिल्कुल अतुल जी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी करना चाहेगी। अमित शाह भी पहुंचे हैं, इसके पहले पीएम मोदी भी आए थे, अब क्या यह माना जाए कि इसके बाद जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी दौरों का सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा, और जमीनी स्तर पर भी मध्य प्रदेश में ये जो बड़े नेता हैं वो ग्राउंड वर्क करते हुए नजर आएंगे? अतुल जी जी, ये दौरा है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अगले 4 महीने में क्या करने वाली है ये तय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार अकेले जो है उनका बात गर्म रहता है, कभी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात सामने आती है, कभी मुख्यमंत्री के बदलने की अटकले, प्रयास तमाम तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस, इस तरह की जो भी अटकले लगती है उनको विराम देना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक इस बात पर विराम नहीं लगेगा कि नेतृत्व पर परिवर्तन होगा या नहीं होगा, जब तक इन संभावनाओं की, इन आशंकाओं के, इन अटकलों की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विराम नहीं दिया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी खुलकर मैदान में नहीं आ सकती है। तो आज के दौरे से साफ हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आज अमित शाह साफ कर देंगे कि किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, किस रणनीति के तहत लड़ा जाएगा, किसके पास क्या पावर होंगे, कौन सरकार का चेहरा होगा, कौन संगठन का चेहरा होगा, कौन केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा होगा, इन सारी बातों पर आज स्पष्ट रणनीति के साथ तय हो जाएगा कि आने वाले 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, और यही इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा है। बिल्कुल, तो एक माइलस्टोन आज भारतीय जनता पार्टी का सेट हो सकता है कि आने वाला जो समय है उसमें किस तरह की गतिविधियां पार्टी की संचालित होंगी, और फिलहाल देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ और ऑफिशियल जानकारी बीजेपी खेमे की तरफ से आ पाती है। अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी इस दौरे को लेकर अमित शाह के साझा करने के लिए।